Hello, welcome to Arvind's Academy. We are discussing integration and this is video lecture number 10. I hope you have already watched part 1 to part 9 before watching part 10. Let us discuss today about some special questions, what we had discussed special integrals earlier in this lecture. So today I am going to discuss some specific special questions which can be solved by using this formula, and these are very peculiar. Some tricky questions are there. So let me discuss some of them. First question I am going to discuss today, no concept but only tricky questions. What is that? Question is dx upon 1 minus x to the power 4. How to solve this question? To solve this question, students generally think and they write here formula that x square whole square. They can write it like this. And they can use the formula like 1 minus x square, 1 minus x square whole square. And they can use it formula like dx upon a square minus x square, but that is not possible. Some students write this like a square minus x square, and they can write because a square minus x square is 1 by 2a, log 1 minus x square upon 1 plus x square, a square minus x square, as plus c, but this will be absolutely wrong. Why? Because this cannot be used. Why? Because here derivative of this function is not here, so we cannot use like this. We cannot do like this, and that would be wrong, absolutely wrong. I have seen many students are doing like this. They understood that, okay sir, we have learned the formula, and so x square in place of x there is x square, but they forget that in place of dx here not it is 2x dx, so we cannot use this. We can solve this question. Why and how we will learn here. A square minus x square can be written as a plus b a minus b, right? A plus b a minus b. जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और इस तरह से 1 plus x square 1 minus x square. अब ये दो फंक्शन हो गए, जब इसको कैसे करेंगे? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप इसमें एक थ्योरी लगाएं, क्या खोया क्या पाया, दोनों के बीच में माइनस का साइन लिखते हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि क्या खोया और क्या पाया. माइनस के साइन की जरूरत है भी कि नहीं है, इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे ऐसे लिख दिया. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस की वजह से प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 से 1 कट जाएगा और ऊपर में बच जाएगा 2x स्क्वायर. लेकिन आपको तो यहाँ 2x स्क्वायर चाहिए नहीं, है नहीं 2x स्क्वायर, और ऐसा भी नहीं है कि 2x स्क्वायर से आप डिवाइड कर दोगे, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे. अगर वेरिएबल से करोगे तो यहां भी करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस साइन की जरूरत नहीं थी, यहाँ प्लस साइन से काम चल जाता. ये आता 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से आता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाता, और ऊपर में बच जाता कितना, 1 प्लस 1 2. तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 ऊपर में आया, 2 से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो 2 से 2 कट जाएगा, न कुछ खोया न कुछ पाया. समझ आई बात, न कुछ खोया न कुछ पाया. अब इस इंटीग्रेशन को आप आराम से अलग अलग कर सकते हैं सॉल्व. ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1 बाई 2 इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, तो क्या होगा, 1 बाई 2 ए, ए 1 ही है, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी आएगा इसमें, और यहाँ पे 1 बाई 2 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन इनवर्स एक्स प्लस सी. तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई 4 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2 टैन इनवर्स एक्स प्लस सी. ये क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से, और ये थॉट प्रोसेस इस क्वेश्चन का था. आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो थोड़ा सा ट्रिकी है ना. चलिए, इसका एक भाई भी है जिसको पूछा जाता है वैसे ही, उसको भी करके देखते हैं. अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा होता, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स फोर डीएक्स, तब आप क्या करते, तब आप कुछ नहीं, वही फॉर्मूला लगाते,
वही काम करना है, कुछ नया नहीं करना है। इसको भी हम लिख सकते थे एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, पहले जैसे लिखा था वैसे ही लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर थ्योरी लगा दिया, क्या खोया क्या पाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वन तो वन कट जाएगा लेकिन हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब टू से डिवाइड करना हमारा धर्म है, हम टू से डिवाइड जरूर करेंगे। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो गया कि वन बाई टू, इसका भी आप आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था, वन बाई टू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स होता था। और यहाँ पे वन बाई एक्स स्क्वायर मतलब टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे लिख सकते एक्स बाई वन, तो वन लिखना और टाइम खराब करना दोनों बराबर है, इसलिए इतना आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, वही क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस प्लस के साइन का फर्क पड़ गया, तो ये अलग से क्वेश्चन हमने बनाया। ऐसा भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है जो भी। तो अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन किस तरह से होगा, थर्ड क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको करना है तो कैसे करोगे। ये क्वेश्चन है कि dx अपॉन ये 1 प्लस x का पावर 4, अब आप इसको कैसे करोगे, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में फर्क है। वहां तो माइनस था तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे थे, यहाँ पे तो माइनस है नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करें, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिमाग लगेगा, क्या दिमाग लगेगा और कैसे करेंगे, आप जरा सोचिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 प्लस x का पावर 4। फिर हमने क्या किया कि यहां पे x स्क्वायर प्लस कर दिया और 1 माइनस x स्क्वायर माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का पावर 4 dx। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा सब क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x 4 का हमारे पास पहले जो था वो तो a माइनस बी ए प्लस बी में ब्रेक हो रहा था, अब ये नहीं हो रहा, तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का पावर 4 dx प्लस 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का पावर 4 dx। आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, और इस इंटीग्रेंड को आप लिख सकते हैं i1 प्लस i2 या i1 माइनस i2, आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1, वो आगे हम देख लेंगे। ये एक इक्वेशन हो गया, हमारे पास एक क्वेश्चन मिल गया i1 प्लस i2, यानी आप चाहें तो इसमें से i1 को अब अलग से हम करते हैं। i1 क्या है हमारा, ध्यान से देख लीजिए, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x 4, i1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस 1 dx। इसको क्या करें, तो इसमें से हम एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा। नीचे में भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, या यूं कहें कि हमने एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जिसको एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 भी लिखा जा सकता है, इसको दोनों तरह से लिखा जा सकता है। जरा ध्यान से देखिए, हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये बार बार आएगा, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो 1 प्लस एक्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं, और इसको हम चाहें तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। दोनों में से कौन लिखना चाहिए, अब सवाल यह है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम दोनों में से कौन सा लिखें और क्यों लिखें। तो दोनों में से जब ऊपर में प्लस हो तो नीचे इसको माइनस में ब्रेक करना चाहिए, ऊपर में माइनस हो तो नीचे इसको प्लस में ब्रेक करना चाहिए,
ये ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, ये है ए और बी के जगह पे एक्स और वन बाई एक्स है, इसलिए कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो यह आएगा, जैसे आपको तसल्ली के लिए करके दिखा देता हूँ कोई भी एक, ये देखिए कैसे होगा। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स और प्लस टू, तो ये कट गया। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस टू कट जाएगा, तो ये चीज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसलिए हम इसको सॉल्व लिख सकते हैं इस तरह से, और ये बात याद रखने वाली है, आपको गुजारिश है कि आप इसे याद रखेंगे, इसलिए हमने यहाँ स्टार लगा दिया। आपके लिए एक झंडा भी लगा देते हैं, लीजिए एक झंडा भी लगा देते हैं, इसे याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है, जब ऊपर में प्लस हो तो नीचे माइनस में, और ऊपर में माइनस हो तो नीचे प्लस में हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम पुट कर देंगे इसको एक्स माइनस वन बाई एक्स को डी, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी, एक्स का डेरिवेटिव वन और वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए हो जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब ये सारी चीज के बदले आप डी टी लिख सकते हैं, dt, और नीचे हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2, 2 को रूट 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 by a tan inverse x by a, that is t by root 2 plus c। अब t की वैल्यू आप रख दें तो क्या मिलेगा, t क्या था हमारा, x माइनस 1 by x, तो ये हो जाएगा 1 by root 2 tan inverse x माइनस 1 by x अपॉन रूट टू प्लस सी, ये आएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट टू एक्स, ये हो गया हमारा, आ गया आई वन कितना आ गया, फाइनली हमारा आई वन आ गया यहाँ पे, आई वन आ गया फाइनली कितना, आई वन आ गया हमारा ये, आई वन की वैल्यू आ गई कितनी, तो वन बाई रूट टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू एक्स प्लस सी, सी का मतलब सी वन, आप इसे लिख सकते हैं, इसको आप सी वन लिख सकते हैं, सी वन, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो बार बार, दो कांस्टेंट हम लिखना नहीं चाहते, एक ही कांस्टेंट लिखेंगे। अब बचा आई टू, आई टू के लिए क्या करोगे, तो आई टू जो है वो क्या है, वो है ये लिखा हुआ है कि वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स फोर प्लस वन डीएक्स, इसमें से भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स फोर प्लस वन डीएक्स। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी ऊपर नीचे हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना चाहिए, यानी वन बाई एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। जैसा कि मैंने कहा ऊपर में माइनस है तो नीचे प्लस में ब्रेक करना चाहिए, तो ये वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हो गया, इसको हम प्लस में ब्रेक कर देंगे, और चूंकि अंदर में प्लस हो तो बाहर में माइनस होगा dx। अब x प्लस वन बाई एक्स को हम t पुट कर देंगे, x प्लस वन बाई एक्स को t पुट कर दिया, तो क्या हो गया, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये हो गया राइट। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे के बदले लिख देंगे डी टी, तो आई टू इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस साइन ही पहले से है, डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, माइनस साइन को अंदर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू का होल स्क्वायर, ये पहले आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन बाई टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू i2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, i2 का वैल्यू आ जाएगा हमारा, ये हम लिखें तो 1 by 2 root 2 और log कितना root 2 plus t, t का मतलब, t का मतलब कितना, t का मतलब ये है x plus 1 by x और नीचे root 2 plus minus x plus 1 by x, x minus 1 by x और प्लस सी, इसका अर्थ हो गया वन बाई टू रूट टू
और ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस लॉग, यहां पे लिख दूं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स रूट अंडर टू एक्स प्लस वन अपॉन नीचे में आएगा रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। एक्स इसके भी एलसीएम दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आप आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू दोनों की वैल्यू लिख सकते हैं और दोनों की वैल्यू लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई वन का क्या आया था, वन बाई रूट टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई रूट टू एक्स, ठीक है, वन बाई रूट टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू एक्स ये आया था। और I2 क्या आया, I2 आया है हमारा कितना, I2 आया हमारा ये वैल्यू वन बाई टू रूट टू, ठीक है, वन बाई टू रूट टू लॉग ये एक्स स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस वन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन और दोनों सी वन प्लस सी टू मिलके क्या हो गया सी। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। आपको देख के थोड़ा लंबा लग रहा होगा, थोड़े बोरिंग लग रही होगी, लेकिन ये क्वेश्चन करने का यही तरीका है, इसके सिवाय कोई और तरीका नहीं है और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप फिर भी इसे याद रखें तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन इतना लंबा होने के बावजूद भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है dx अपॉन वन प्लस एक्स का पावर फोर, और इसी का एप्लीकेशन और भी हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन इस तरह का कि i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो सकता है वन प्लस एक्स का पावर फोर dx। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा कि टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दो वन प्लस एक्स का पावर फोर dx। फिर क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन माइनस वन कर दिया और ये हो गया एक्स फोर प्लस वन डी एक्स। फिर क्या होगा उसके बाद हो जाएगा वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स फोर प्लस वन डी एक्स और ये हो जाएगा वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स फोर प्लस वन डी एक्स। इसको भी आप फिर उसी तरह से I1 प्लस I2 लिख सकते हो, सेम एक्सप्रेशन है, सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन आएगा, उसमें माइनस साइन आ रहा था, यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, बाकी सारी कहानी सेम है और आप इसको आंसर बखूबी लिख सकते हैं। एक चीज और कि I1 और I2 जब हमने लिखा था तो यहाँ पे 1 बाई टू भी था जो कि मिसिंग है, ध्यान से देखिए 1 बाई टू भी था, ये 1 बाई टू होना चाहिए था, ये 1 बाई टू यहाँ भी आएगा, ये वन बाई टू यहाँ भी आएगा, तो आई वन में भी ये क्या होगा वन बाई टू ये वन बाई टू सब जगह आएगा, मेरे दिमाग से उतर गया था, ये वन बाई टू यहाँ भी होगा इसलिए ये टू रूट टू हो जाएगा, है ना, ये टू रूट टू हो जाएगा, है ना, ये टू आपका होना चाहिए, ये टू आपका होना चाहिए, यानी हम इसे लिख सकते हैं वन अपॉन टू और यहाँ पे 1.2 रूट टू 1.2 रूट टू। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट टू में भी यहाँ पे 1 बाई टू होना चाहिए था, तो ये 1 बाई टू यहाँ पे आता, ये 1 बाई टू यहाँ पे आता, ये 1 बाई टू रहेगा ही रहेगा और ये 1 बाई टू यहाँ पे भी आएगा, है ना, 1 बाई टू माइनस के साथ 1 बाई टू यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 रूट टू पहले से था, ये अब एक और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 रूट टू। इनफैक्ट 2 रूट टू के बजाय क्या हो जाएगा, ये 4 रूट टू, तो ये 4 रूट टू हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 रूट टू हो जाएगा, है ना, सॉरी फॉर दिस बट इंसान हो भूल जाते हैं, कुछ कुछ चीजें हो जाती है कई बार, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे ये आएगा 4, तो इस तरीके से इस पूरी एक्सप्रेशन में आपका एक 2 का कोफिशियंट बढ़ जाएगा और यहाँ पे भी I1 प्लस I2 होगा, उसमें भी I1 प्लस I2 था, सिमिलर फंक्शन था, सेम प्रोसेस बार बार रिपीट होगा,
और ये कोई बुद्धिमानी नहीं है कि सेम प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाए और इस क्वेश्चन को दोबारा किया जाए। आप कर सकते हैं, आपके पास वक्त है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए कई बार इसका हाफ पार्ट भी पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स फोर प्लस वन डी एक्स, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो इस क्वेश्चन को करने का वही तरीका है कि हम एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे और ये वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि ऊपर में प्लस है तो नीचे में हम इसे माइनस में ब्रेक कर देंगे। ये पहले वाले क्वेश्चन के पार्ट में हो गया, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा dx। फिर हम इसको x माइनस वन बाई एक्स को t पुट कर देंगे, जैसा कि सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। कि सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं, x माइनस एक्स बाई वन बाई एक्स को t, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले क्या आ जाएगा dt। अब इस क्वेश्चन को लिख सकते हो आप i इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा वन बाई ए टैन इनवर्स टी बाई रूट टू प्लस सी, और टी की वैल्यू आप रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा टैन इनवर्स कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट टू एक्स प्लस सी। यानी एक पार्ट भी पूछा जा सकता है, और जब एक पार्ट पूछा जाएगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, है ना, समझ में आया। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको नीचे पावर फोर हो और ऊपर में कोई फंक्शन हो, जैसे क्वेश्चन ऐसे हो जाए, ध्यान से देखिए i इज इक्वल टू नीचे में है एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और ऊपर में है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए अब नीचे तीन फंक्शन हो गए, तो इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका यही है कि आपको क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए किससे, एक्स स्क्वायर से। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टू और यहाँ पे वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, बात वही आ गई। फिर देखो एक ही क्वेश्चन के कई सारे एप्लीकेशन हैं, बस सीखने की जरूरत है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू हो गया, अब इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको चूंकि प्लस में है तो इसको माइनस में ब्रेक कर सकते हैं, और हम बाहर में प्लस टू लिख सकते हैं, प्लस टू एक पहले से है तो ये प्लस फोर हो गया। यानी ये क्वेश्चन हो गया कुछ इस तरह का कि आप वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नीचे क्या हो गया, ये एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर हो गया। ये संजोग की बात है, तो इसको भी टू स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर सीधे लिख सकते थे, यहाँ पे ही तो बड़े ही आसान हो गया था कि आप इसको इस तरीके से, चलो दोनों तरफ से प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो ये टी पुट करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा डी टी, और नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, है ना, यानी वन बाई ए टेन इनवर्स टी बाई टू प्लस सी आंसर आ जाएगा, यानी वन बाई टू टेन इनवर्स कितना टी, क्या है हमारा टी, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, क्या पुट करोगे टी, टी पुट करोगे आप एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स को आप टी पुट करोगे, तो ये हो जाएगा वन बाई ए टेन इनवर्स टी बाई टू, और टी बाई टू का मतलब, टी का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स, ठीक है, प्लस सी, ये आ जाएगा ऐसा। अब इस चीज को आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, थोड़ा सा ये फंक्शन दोनों मिला के मुझे लगता है एक ही आएगा, यस एक ही आएगा। इसको आप टू टेन इनवर्स एक्स का ही ये फॉर्मूला है, ये टू टेन इनवर्स एक्स का उल्टा हो जाएगा, और ये टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। यहाँ पे ऐसे भी इसको कर सकते थे, दिमाग में रहा नहीं क्वेश्चन ऐसा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो एक तो कट जाएगा और वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, उसको हम क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो फंक्शन के टाइप अलग अलग होंगे, मोर देन वन चॉइस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व। लेकिन सपोज करो वहां पे टू ना हो करके कुछ और हो, लाइक क्वेश्चन ऐसे हो जाए डी एक्स अपॉन ऊपर में फंक्शन है लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वन
और नीचे हो जाए एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, लाइक दिस, इस तरह का क्वेश्चन हो जाए, तब क्या करोगे? तब इस क्वेश्चन को करने का वही तरीका होगा कि आपको एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी एक्स, और ऊपर में चूंकि ये माइनस है तो नीचे में हम किससे ब्रेक कर देंगे, प्लस में, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री एक पहले से है तो क्या हो जाएगा माइनस फाइव डी एक्स, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और ये हो गया डी एक्स और नीचे क्या हो गया एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस फाइव, उसको रूट फाइव का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको ये पता चल रहा है, देखते देखते जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि ऊपर वाला डी टी है और ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी आपको सीधे लिख दोगे डी टी ए टी स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर, यानी वेयर टी किसको माना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स को हम पुट कर लिए हैं टी, तो ये आ जाएगा वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमने इसको पुट कर लिया है x प्लस वन बाई एक्स को t, ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूशन किया है आपको समझने के लिए, लिख देते हैं, वैसे तो आपको इतनी समझ अब आ रही होगी, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। तो इस तरीके से ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस फाइव का होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, वन बाई टू ए, ठीक है, लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो आप इसको लिख सकते हैं बड़े ही प्यार से, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको आप लिख सकते हैं वन बाई टू रूट फाइव लॉग एक्स के बदले एक्स प्लस वन बाई एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट फाइव एक्स और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट फाइव एक्स और प्लस सी, और इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन को कैसे करना है और क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या करना होता है, और तरह तरह के क्वेश्चंस जिनकी एक पैटर्न है, अगर उस पैटर्न को दिमाग में रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पैटर्न याद नहीं रहेगा तो बार बार गलत गलत सब्स्टिट्यूशन आप करोगे, बार बार ट्राई करोगे, पेज पे पेज काटोगे और आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए आपसे ये अनुरोध है कि जो भी टाइप और पैटर्न हम बता रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन और होंगे जो बीच बीच में हम बताते रहेंगे जिसका ट्रिक अलग अलग होगा, उसको भी करना जरूरी होगा, लेकिन जब तक ये सारी ट्रिक्स नहीं आपको याद रहेंगे, जब तक ये सारे पैटर्न याद नहीं रहेंगे, तब तक क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। सो आई होप यू गॉट इट, और इस तरह से आप इसको रिवाइज कर लीजिए, थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर मुलाकात होती है ना, ठीक है, अगली क्लास में फिर हम बताते हैं आपको कुछ और नई ट्रिक्स, कुछ और नए टाइप। तब तक के लिए नमस्कार, कीप वॉचिंग, बाय बाय, गॉड ब्लेस।